अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू पर राइट काउंटिंग लिख दी 1 to 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट डालेंगे, डालो मैथ, एम ए टी एस मैथ्स, ठीक है। और यहाँ पर डेट डेट क्या है, 16-7-2021। और ऊपर अपना बच्चों का नेम। अब हम यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डालो क्यू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, नेक्स्ट नंबर, राइट नेक्स्ट नंबर। सभी पेरेंट्स हेडिंग डालेंगे डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट नेक्स्ट, एन ई एक्स टी नेक्स्ट, फिर लिखो नंबर, एन यू एम बी ई आर नेक्स्ट नंबर, हो गया। चलिए आप सभी नंबर उतारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3-, फिर 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, आपको जो भी होता है आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे 3 के बाद आता है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। फिर नेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे, अब मैंने लिखा है यहाँ पर 8-, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बताओ, लिखो यहाँ पर जो भी होता है। फिर नेक्स्ट बॉक्स पर आ जाएंगे, अब मैंने लिखा है यहाँ पर 1-12-, 1-12 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बताओ, मुझे नहीं आता है, आप खुद लोग खुद ही लिखेंगे, हो गया। फिर 12 के जस्ट नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, लिखिए यहाँ पर। फिर मैंने लिखा है नेक्स्ट बॉक्स 1-8-18, 1-8-18 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, लिखो यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इनका आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर, पहले अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैथ, डालो एम ए टी एस मैथ। और यहाँ पर डाल देंगे सबसे पहले डेट, डेट क्या है 16-7-2021, और ऊपर अपना नेम। अब हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, डालो डालो हेडिंग मेरे साथ, फाइन एफ आई एन डी फाइन लिख लिया, लिखेंगे टी एच ई द, ये कॉपी में बहुत बार कर चुके हो बेटा आप लोग, फाइन द करेक्ट सी ओ डबल आर ई सी टी फाइन द करेक्ट नंबर, एन यू एम बी ई आर फाइन द करेक्ट नंबर। एंड अब ऊपर देखिए जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, अगर आप लोगों की भी जगह भर गई हो तो आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। सर्कल सी आई आर सी एल ई सर्कल इट, हो गया। सभी ने हेडिंग उतार दी, सभी पेरेंट्स ने। चलिए नेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लिखा है 5, फिर डैश लिखो, अब 5 के बाद मैंने डैश के बाद लिखा है 9, लिखो बच्चों मेरे साथ सर। फिर वन बॉक्स छोड़ के लिखो 5, फिर वन बॉक्स छोड़ के लिखो 4, फिर वन बॉक्स छोड़ के लिखो 2। अब हमको कौन सा नंबर फाइंड करना है, 5, तो इसमें से जो भी नंबर 5 है इस लाइन में, इनको 5 में आपको सर्कल करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉक्स पर आ जाएंगे, चलिए अब 5 के नीचे आएंगे, मैंने लिखा है 9-, अब डैश के बाद लिखना है, देखो मैंने लिखा है 6, फिर 8-9, और यहाँ पर लिखा है मैंने 5। अब आपको कौन सा दूसरा नंबर कौन सा फाइंड करना है, 9, तो इस लाइन में जो भी 9 नंबर है उसको उस पर आपको सर्कल करना है, आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट बॉक्स पर आ जाओ, अब मैंने लिखा है यहाँ पर 16-16-, लिखो यहाँ पे 15-15-16-16-16
सेवन सेवनटीन और वन एट एटीन। अब आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है, सिक्सटीन। तो देखिए सिक्सटीन नंबर कहाँ है, ये है नहीं, ये जो भी है इस लाइन में आपको फाइंड करना है। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट बॉक्स पे लिखेंगे वन ज़ीरो टेन डैश। अब यहाँ पे लिखो ट्वेल्व वन टू ट्वेल्व, फिर लिखो नाइन, फिर लिखेंगे यहाँ पे टेन और फिर लिखेंगे यहाँ पे सेवन। अब आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है, टेन। तो देखिए इस लाइन में जो भी टेन नंबर है उस पर सर्कल कर देना है, करो। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट बॉक्स पे टू, लिखो यहाँ पे वन डैश, तो मैंने लगाया नहीं डैश, फिर टू, फिर थ्री और ये फोर। तो आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है, टू। तो देखिए टू नंबर इस लाइन में जो भी हो वहाँ पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया।